हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमावत। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मोस्ट वेलकम है आपका इस चैनल में, जो कि दादा दादी नुस्खा और टिस्का ये चैनल है, उसमें आप लोग का मोस्ट वेलकम है। और आज हम बात करने वाले, इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी क्रीम के बारे में, जो कि हमारे क्या हो जाती है इस टाइम पर, जो गर्मियों का मौसम चल रहा है उस टाइम में हमें क्या हो जाता है, पसीने की वजह से या फिर किसी प्रकार से इचिंग वगैरह हो जाती है, खुजली वगैरह हो जाती है, रेडनेस वगैरह हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टेरियल इन्फेक्शन हो जाता है या रेबी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब इस टाइप के इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। और उनसे कैसे बचे, ठीक है, उन सबसे कैसे बचे, क्या यूज करें, ठीक है, ये सब के लिए हमें एक अच्छी क्रीम लेके आई हूँ, उसके बारे में शेयर करूँगी, बताऊँगी किस तरीके से लगाना है और कब लगाना है, इसके साइड इफेक्ट कैसा होगा और, ठीक है, ये सब बताऊँगी, इसकी प्राइस कितनी होगी ये सब बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, एक्जिमा वगैरह हो जाता है, वो हमारे हाथ पैर में ही नहीं, हमारे शरीर के कौन से अंग में भी हमारी सब प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमें डॉक्टर से भी बताने में भी प्रॉब्लम आती है और घर वालों को भी शेयर करने में प्रॉब्लम आती है, नहीं बता सकते हम। पर क्या है कि हमें डॉक्टर को तो शेयर करना बहुत ज़रूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपकी ये नॉर्मल तरीके से खुजली वगैरह चल रही है, उसके लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है। वैसे तो हम अलग अलग टाइप्स की क्रीम यूज देखते रहते हैं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी क्रीम होगी, जो कि डॉक्टर के पास ना जाके हम ये क्रीम लगा के हम ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं उस क्रीम का नाम लेने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि डॉक्टर से पूछ के ही सलाह लेके कि हम इस क्रीम को ये दांत खाज खुजली में लगा सकते कि नहीं लगा सकते। अगर डॉक्टर अनुमति दे कि हम आप लगा सकते हो तो ही आप इसका यूज करना, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर की लिखी हुई क्रीम है, इसलिए मैं शेयर। इस क्रीम का नाम है ओरिड्रम प्लस क्रीम है, और ये इस तरीके की क्रीम, इस तरह की ये ट्यूब है और इस तरीके से खाली हो चुकी है, देख सकते हो आप। और बगाने से अच्छा मैं आप लोगों को शेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे पता है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि बगाने से अच्छा किसी को कुछ जानकारी मिल जाए इस वीडियो में, इस क्रीम के जरिए, तो बहुत ही अच्छा होगा और किसी को फ़ायदा मिलेगा, तो दुआ भी देंगे, तो ये सब मैं यकीन करती हूँ। और तो कुछ नहीं है, तो ये क्रीम है ना, और ओरिड्रम प्लस क्रीम है ना, काफ़ी अच्छा क्रीम है फंगल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको किसी टाइप की खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है या सफ़ेद दाद हो रहा है, फिर रेड दाद हो रहा है, या फिर किस तरीके का दाद हो रहा है और काफ़ी परेशान हो रहे उस चीज से, ठीक है, और खुजली चलते ही जा रही है और नहीं रुकने का नाम ले रही है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या मिलाया गया है और कितने प्राइस की मिलेगी, तो ये हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी, और इसकी 70 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। 15 ग्राम की एक ट्यूब है, क्रीम आती है इसके अंदर, और 70 रुपये में हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। और इसमें कैवी से ये बना, और ये ओरिशन कंपनी से बनाया हुआ है, और यहाँ पर इसके कंपोजिशन है कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, कितने कितने परसेंट डाले हुए, ये सब है इसमें, तो वो भी बता दूँगी। तो गाइस, इसमें क्या क्या है, पहला है टर्बिनाफाइन, और दूसरा है ऑफोलॉक्सिन, और तीसरा है क्लोबेटाचोल, और प्रोपियोनेंट, और टनिडाजॉल, चौथा है इसका टनिडाजॉल एंड डैक्स, पांचवा है इसका डेक्सपेंथनॉल क्रीम। तो पांच इसके कंपोजिशन है, इसमें ये पांच क्रीम्स मिलाई हुई है, तब जाके ये ओरिड्रम प्लस क्रीम बनी हुई है। तो इसमें कितना कितना क्या क्या परसेंट डाला हुआ है ये जान लेते हैं। तो कंपोजिशन है इसके, और कंपोजिशन है इसके ऑफ्लॉक्सिन है, जो कि आईपी है 0.75% डाला हुआ है, और टनिडाजॉल है कि वो आईपी है, जो कि 2.00% डाला हुआ है, और टर्बिनाफाइन डाला हुआ है SCI IP 1.00% डाला हुआ है, और क्लोबेटाचोल है जो कि आईपी 0.05% डाला हुआ है, और डेक्सपेंथनॉल USP डाला हुआ है 0.05% डाला हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है मेथल परफेन जो कि IP 0.20% डाला हुआ है, और प्रोपियोल परवियन लिखा हुआ है IP 0.02% डाला हुआ है। और यहाँ पे ये सब इसके कंपोजिशन थे जो कि मैंने आपको शेयर किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको आप यूज कर रहे हो या हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, और आपको क्या करना है, बच्चों से दूर रखना है इस क्रीम को, क्या करना है बात, तो ये अगर ये बच्चे आँख में ये सब में लगा लोगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और आप इस क्रीम का यूज कर रहे हो ना, तो आँखों के अंदर ये सब में यूज नहीं करना है, आपको लगना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप इसका यूज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको टाइटली बंद करना है इस तरीके से यूज करने के बाद, और आपको ऐसी जगह पे रखना है जो कि ठंडी जगह पे रखना है, फ्रीज में नहीं रखना, आपको ऐसे मतलब ठंडे स्थान पे रखना है, धूप आने वाली जगह पे नहीं रखना है इसको, ये ध्यान में रखना है। और रखना है कि आपको मैं बता दिया, आइस के पास नहीं जाना चाहिए ये क्रीम, और ये सब लिखा हुआ था इसमें और मैंने आपको शेयर की हूँ। तो गाइस, इसमें ये है कि आपको यूज कैसे करना है इस क्रीम का, जब आपको किसी तरीके से इस
फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, किस तरीके से रेडनेस वगैरह हो रही है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको क्या करना है, उस जगह को क्लीन करना है अच्छे से, ठीक है। किसी भी मतलब डिटॉल वगैरह किसी से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, फिर बाद में उस पर क्रीम लगाना है, धूल मिट्टी में नहीं घूमना है, और एक जो कि आपको किसी के कपड़े शेयर नहीं करना है, अपने कपड़े अलग ही रखना है और किसी को देना भी नहीं है, मतलब किसी को अपने कपड़े शेयर नहीं करना है, नहीं तो उनको भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने कपड़े अपने पास ही रखना है, अपनी चीज़ें अपने पास रखना है, धूल मिट्टी में नहीं घूमना है, ये सब ध्यान में रख के ही आपको ये सब का ध्यान रखना है। और दिन में 2 बार नहाना है, क्योंकि उस जगह का नहा नहीं सकते तो उस जगह को क्लीन करके ड्राई करके फिर इस क्रीम को लगाना है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो 15-20 दिन में आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और आपको डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके फिर बाद में इस क्रीम का यूज करना है, ऐसे नहीं यूज करना है, ये सब करोगे ना तो अगर आपके इस तरीके से आप यूज करोगे तो 15 दिन में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसके साइड इफेक्ट बता दूं, अगर आप इस क्रीम को लगा रहे हो ना तो इसी तरीके से आपको खुजली चल रही है, और ज़्यादा खुजली चल रही है, या फिर छींके आ रही है, या फिर किस तरीके से सर दर्द कर रहा है, या फिर ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उल्टी वगैरह आना, तो किसी तरीके से अगर उस क्रीम को लगाने के बाद आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और ये सब बताना है और इस क्रीम को लगाना बंद कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपनाओगे ये रूल तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर साइड इफेक्ट होगा तो आप ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो और आपको आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो हो तो प्लीज़ गाइस आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर कमेंट और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। और तो गाइस जिन्होंने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा है ना उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस बाय।